ऑल यू सी, ये हमारा जो है सिर्फ आपको ये सेंटर इंटरलॉक दिखेगा. अच्छा. इसका थ्रेशोल्ड जो है इसको हम इनविजिबल थ्रेशोल्ड बोलते हैं, बिकॉज अगर आप यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे तो यू कैन सी दैट. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम. आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड. वेलकम टू जैक ग्लास एंड डोर एक्सपो 2022. आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो ग्लास डोर्स एंड विंडोज़ मैन्युफैक्चर करते हैं. आज इन्हीं से बात करने वाले हैं. अगर आप इस तरह की बिजनेस में आना चाहते हैं या इन तरह के प्रोडक्ट्स की आपको नीड है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत अच्छा. ये एग्जीबिशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैक डोर्स एंड विंडो एक्सपो इंडिया का पहला एग्जीबिशन है जो सिर्फ स्पेसिफिकली डोर्स एंड विंडो प्रोडक्ट्स और उसके एसोसिएटेड एंसिलरी प्रोडक्ट्स पे बेस्ड अपॉन है. सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड टू बी हियर. कंपनी के बारे में बताएंगे सर? शुको दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो विंडोज़ डोर्स एंड फसाद्स सप्लाई करती है. शुको इज़ बेस्ड आउट ऑफ जर्मनी, इट्स हेडक्वार्टर्ड इन जर्मनी और शुको इंडिया शुको जर्मनी की इंडियन सब्सिडियरी है. अच्छा. और यहाँ पर आपकी ऑफिस कहाँ है, कहाँ से आप डीलिंग करते हैं? सो हमारे हेडक्वार्टर्स इज़ इन बॉम्बे. वी हैव अ बिग ऑफिस इन बैंगलोर अलॉन्ग विथ आर वेयर हाउस. ट्रेनिंग सेंटर भी हमारा बैंगलोर में है. दिल्ली ऑल्सो हैज़ आर ऑफिस. हम फैब्रिकेशन पार्टनर्स के साथ काम करते हैं तो हमारे ऑल अक्रॉस इंडिया में 70 से ज़्यादा फैब्रिकेशन पार्टनर हैं. सो ये वो लोग हैं जो हमारे सिस्टम्स को फैब्रिकेट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं. अगर आपको अपना घर बनाना है तो हमारे फैब्रिकेटर्स जो हैं वो हमारे सिस्टम्स, रॉ मटेरियल्स और सारे प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज हमसे खरीदते हैं एंड देन दे फैब्रिकेट दीज प्रोडक्ट्स इन देयर फैक्ट्री एंड वो आपके घर पर आकर इनको इंस्टॉल करते हैं. अच्छा. यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं. मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ क्या रहती है और वर्किंग किस तरह की? ज़रूर आइए. हाँ, ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये इस प्रोडक्ट का नाम है AS39. सो ये एक स्लाइडिंग सिस्टम है जिसमें हमने इंटीग्रेटेड मेश लगाया हुआ है. इस प्रोडक्ट हमारे स्टॉल में जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये सारे एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स हैं. सो ये वुड फिनिश है ऑन एन एल्युमिनियम. ये एक स्लाइडिंग सिस्टम है जो घर के एक्सटीरियर और इंटीरियर एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है. ये जैसे आप रेलिंग देख सकते हैं तो अगर आपका ऐसा घर है जिसमें बैल्कनी है या फिर आगे में यू हैव अ स्विमिंग पूल, सो अगर बैल्कनी है तो ये रेलिंग उसके साथ इंटीग्रेटेड रेलिंग जिसको हम कहते हैं. अगर आपके बाहर में लॉन या गार्डन एरिया है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन के लिए एक स्लाइडिंग विंडो है. इसमें आपने ग्लास भी दिया है और मेस भी लगाया हुआ है. हाँ, सो ग्लास हम रिकमेंड करते हैं जब आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो वो भी स्पेसिफाई करते हैं कि इसमें ग्लास थिकनेस कितनी होनी चाहिए. ग्लास हम रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन से ब्रांड के ले सकते हैं, बट हमारे फैब्रिकेटर और आर्किटेक्ट एक्चुअली चूज़ करते हैं कि किस ब्रांड का इसमें ग्लास लगेगा. जो विंडो फ्रेम है इसकी एक्सेसरीज़ हैं, हैंडल्स हैं, गैसकेट्स हैं, वुल पाइल हैं. सो शुको विंडो में हर चीज़ जो जाती है वो शुको की तरफ से होती है. सो एवरीथिंग इज़ फ्रॉम शुको. अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर शुको की ब्रांडिंग भी होगी. ये एक्सेसरीज़ जो देख रहे हैं आप इसमें भी शुको की ब्रांडिंग होगी. ये हैंडल जो है हैंडल में भी शुको की ब्रांडिंग है. सो ये सारे कॉम्पोनेंट जो हमारे विंडो में लगते हैं ये सब शुको की तरफ से आते हैं. तो ये मतलब फुली कस्टमाइजेबल होता है, आप जो भी हाइट विथ है उस पर आप कस्टमाइज? जी बिल्कुल, हर एक सिस्टम की अपनी अपनी खूबी होती है. तो जैसे ये सिस्टम ये 3.5 मीटर की हाइट तक जा सकता है. तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, उस हिसाब से हमारे पास हमारा पोर्टफोलियो जो है इट्स क्वाइट वाइड. सो उसमें आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़रूर चूज़ कर सकते हैं जो आपके आर्किटेक्चरल और डिज़ाइन इंटेंट को फुलफिल करता है. यहाँ पर एल्युमिनियम के अंदर आपने अलग अलग फिनिशिंग दी है. जी. अच्छा. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एल्युमिनियम है उसमें पाउडर कोटिंग होती है. पाउडर कोटिंग में आप हज़ारों शेड के कलर्स यूज़ कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है लोगों को वुड फिनिश बहुत ज़्यादा पसंद आता है. तो एल्युमिनियम के ऊपर भी आप अलग अलग तरह के वुड फिनिश शेड्स दे सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने एक लाइट वुड कलर का यूज़ किया है. बहुत लोग महोगनी कलर जो थोड़ा डार्कर शेड होता है इस कलर का वो पसंद करते हैं. सो एनी काइंड ऑफ शेड इज़ पॉसिबल. अब हमने ऐसे भी प्रोजेक्ट्स किए हैं जहाँ पर कस्टमर्स ने शॉकिंग पिंक कलर का, जैसा मैडम ने स्वेटर पहन रखा उस कलर के भी विंडोज़ लोगों ने मांगे हैं. तो इवन दैट इज़ पॉसिबल. वो है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं उनके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर देंगे. जी बिल्कुल. फिर ये हमारे कुछ दो विंडो सीरीज हैं. एक विंडो है जो ये टर्न होता है और ये टिल्ट होता है, तो इसे हम टर्न एंड टिल्ट विंडो बोलते हैं.
ये एक रेगुलर विंडो है जो आउटवर्ड ओपनिंग विंडो जिसको हम बोलते हैं, तो ये नॉन इंसुलेटेड विंडो है, इसमें थर्मल इंसुलेशन नहीं है। तो ये दो सर, ये यहाँ पर एक तो टर्निंग एंड टिल्टिंग दोनों आपने किया है, आइडिया क्या होता है, बेसिक आइडिया क्या होता है इसके? जैसे फॉर एग्जांपल अब इस विंडो को अगर आप चाहें इसे ऐसे खोलना तो ये भी कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि आप घर में रात में आपके बेडरूम में ये लगा हुआ, आपको थोड़ी नेचुरल वेंटिलेशन चाहिए। अच्छा। तो इस विंडो को आपने इस तरह से खोल कर छोड़ दिया और इसमें हवा जो है वेंटिलेशन आती जाती रहती है, तो वेंटिलेशन का ये काम करती है। सो ये इसका एग्जैक्ट पर्पस ये वही है, वेंटिलेशन, एंड देन यू कैन ऑल्सो ओपन दिस लाइक अ रेगुलर यू नो विंडो। सो हमने इसका हाइट बहुत ज़्यादा दिखाया जस्ट टू शो द पॉसिबिलिटी कि इस विंडो से क्या क्या पॉसिबल है। ये जो प्रोडक्ट है हमारा जिसे हम लिफ्ट एंड स्लाइड कहते हैं, ये एक नया प्रोडक्ट है जो हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। ये प्रोडक्ट जो है हमने यहाँ आपको दिखाया तो है 3 मीटर में, बट ये 3.5 से 4 मीटर तक जा सकता है। 4.5 मीटर तक मैक्सिमम ये जा सकता है और हर एक वेंट जो है 500 किलो तक का ग्लास ले सकता है। सो ये घर के एप्लीकेशन के लिए जहाँ पर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है एंड यू नो यू वांट टू यूज़ थिकर ग्लास फॉर साउंड इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, सो ये उसके पर्पज़ से ये ग्लास, ये हमने जो स्लाइडिंग सिस्टम है ये डिज़ाइन किया है। इसमें भी जी लॉकिंग सिस्टम है, मल्टीपल लॉकिंग सिस्टम है जी, इसमें मल्टी पॉइंट लॉकिंग हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो अगर ग्लासेस की बात करें, किसी भी तरह के ग्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, तो ग्लास की थिकनेस डिपेंड करती है बहुत सारी यू नो रीजंस पे, बट ये सिस्टम है वाइड रेंज ऑफ ग्लास को अकोमोडेट कर सकता है अपने अंदर। अच्छा, वेट के अकॉर्डिंग भी आप ग्लास कितना वेट? जी, सो टिपिकली ग्लास स्पेसिफाई करते हैं यू नो आर्किटेक्ट्स की कितना ग्लास होना चाहिए, बट हर एक सिस्टम की ये होती है फीचर होती है कि वो लेट्स से 8 mm से लेकर 40 mm तक का ग्लास ले सकता है, राइट? तो उस हिसाब से ये एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। और ये सिस्टम जो है हमारा है, ये भी एक नया लॉन्च है, दिस इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट। सो इसको हम पैनोरामा डिज़ाइन स्लाइडिंग सिस्टम बोलते हैं। ये पैनोरामा डिज़ाइन इसलिए है बिकॉज ये सिस्टम जो है चारों तरफ से जब कंसील होता है तो आपको सिर्फ ये जो सेंटर का इंटरलॉक है जो ये 19 mm का है, सिर्फ यही दिखता है। सो वंस दिस सिस्टम इज क्लोज्ड, ऑल यू सी, ये हमारा जो है सिर्फ आपको ये सेंटर इंटरलॉक दिखेगा। इसका थ्रेशोल्ड जो है, इसको हम इनविजिबल थ्रेशोल्ड बोलते हैं, बिकॉज अगर आप यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे तो यू कैन सी दैट द ट्रैक्स आर इनविजिबल। सो जैसे अगर आपने घर में मार्बल लगाया, इधर आपने इधर भी मार्बल लगाया, तो यू कैन ऑल्सो हैव मार्बल और यू नो वट एवर टाइप ऑफ फ्लोरिंग दैट यू कंटिन्यूस मूवमेंट है वहाँ पर। सो ये काफ़ी फ्लश्ड है ज़मीन से, सो यू नो इस पर आराम से व्हील चेयर एक्सेस हो सकता है। यू कैन ऑल्सो हैव यू नो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा लगता है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव वेरी रिसेंटली लॉन्च्ड। दिस सिस्टम इज एक्चुअली 3 meters इन हाइट, बट ये 4.5 meters तक जा सकता है। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि 4.5 meters कितना होता है, ये ऊपर की जो आप बीम देख रही है ना, वुडन बीम, वो 4.5, तो ये सिस्टम भी 4.5 meters तक जा सकता है। इसकी खूबी है कि ये पैनोरामा डिज़ाइन है, सो आप जब बंद करने के बाद आपको सिर्फ ग्लास दिखेगा और ये बीच का इंटरलॉक जो 19 mm का है ये दिखता है। ये अगला प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, ये एक डोर सिस्टम है जिसको हम ADS बोलते हैं, एल्यूमिनियम डोर सिस्टम, NI मतलब नॉन इंसुलेटेड, एंड 50 इज द डेप्थ ऑफ द सिस्टम, दीज प्रोफाइल्स। इस प्रोडक्ट का पर्पस है, दिस इज़ योर आउटडोर एंड इंडोर एप्लीकेशन के लिए जो डोर होता है ये वो डोर है। इसमें हमने जॉर्जियन बार लगाए हैं बिकॉज डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस लुक्स क्वाइट नाइस। अ लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड होम ओनर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके घर में ऐसा डोर हो जिसमें ग्लास भी हो बट उसमें जॉर्जियन बार्स भी हो, सो इट गिव्स अ वेरी यू नो एस्थेटिक लुक एंड फील ऑफ एंटायर हाउस व्हेन इट्स डन। सर यहाँ पर प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, प्रोडक्ट काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा भी है, अगर जो कस्टमर है उनको काफ़ी मन को पसंद भी आएगा। जैसे अगर बात करें एज ए बिजनेस, बिजनेस किस तरह से करते हैं आप? सो जैसा मैंने आपको बताया, शुको फैब्रिकेशन पार्टनर्स के साथ काम करता है, सो सिंस इट्स अ जर्मन कंपनी वी हैव वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। सो हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाए हैं या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कुछ सर्टेन यू नो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो वो मेंटेन करते हैं कि किस तरह की उनकी मशीनरी होनी चाहिए, कैसा फैक्ट्री होना चाहिए, किस तरह की उनकी सेल्स की टीम होनी चाहिए, उनका क्या पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए इस इंडस्ट्री में। सो उसकी एक बहुत ही डिटेल्ड हमारे पास चेकलिस्ट होती है जिसके बेसिस पर हम एसोसिएट करते हैं प्रोस्पेक्टिव फैब्रिकेटर पार्टनर से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये फैब्रिकेटर पार्टनर ही वो लोग होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को फैब्रिकेट करके लगाते हैं। सो मेरा ब्रांड जो है इज़ वेरी मच रिलायंट और डिपेंडेंट ऑन
these fabrication partners. So in order to become a Shuko fabricator, I mean, you can write into us at info@shuko.in, and my team, our team will get in touch with you and understand what business you want to do, what you have done already in the past, and then evaluate. It's like a joint venture, right? So जब आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दे गेट टू नो मोर अबाउट आर प्रोडक्ट्स, हम उनके बारे में कुछ और तफसील से जानने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. एंड सर, एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? वेल, हम यही बोलना चाहेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही प्यार से और बहुत ही शिद्दत से बनाते हैं. इट्स अ वेरी वेरी वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स. सो अगर आपका ऐसा घर है जो कि आप बहुत प्यार से बना रहे हैं, तो हम बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि उस घर में शुको तो ज़रूर होना चाहिए. बिकॉज हमारी कंपनी में जितने लोग भी हैं, उनका सिर्फ एक ही पर्पस है, इज़ टू मेक आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग्स टुगेदर. सो अगर आप कोई आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग बना रहे हैं, या तो वो हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है, या फिर आपका घर ही क्यों ना हो, अगर वो आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है तो इट हैज़ टू बी शुको, राइट? सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस कंपनी, इज़ टू मेक आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग्स टुगेदर. थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.